ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या करना है? देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर देता है और उसकी वैल्यू बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। मीन्स दो वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर आएगा। क्या है ट्राइंगल लॉ? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन वैल्यू एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट यानी जो आंसर आएगा इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। 100% है, एक भी लाइन समझ नहीं आई इसने क्या बोला। ठीक, मैंने भी जान के पढ़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोग जब पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये लॉ है क्या, फिर ये डेफिनेशन आप खुद लिख पाओगे। इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पेपर में पक्का आएगा, स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके लिए सपोज करो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा। जब मैं ये बोलता हूं ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है थीटा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इन लाइंस में एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या होता है, इनकी डायरेक्शन में एंगल थीटा है। डायरेक्शन और लाइन में फर्क है। डायरेक्शन का मतलब है ए कहां जा रहा है, राइट, बी कहां जा रहा है, इस तरफ, तो एक राइट जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। हाँ, इसमें सेम है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जैसे कोई वेक्टर, लेट अस सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, और एक वेक्टर है सपोज एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक, एंड दिस इज बी वेक्टर, ओके, ये रहा, ठीक, ये एंगल थीटा, तो बोलो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा 180 माइनस थीटा। आपने दो लाइंस का एंगल बताया मुझे ए और बी में, मैंने डायरेक्शन बोला। अब देखो लाइन में एंगल तो ठीक है थीटा, डायरेक्शन ए वेक्टर कहां है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस खत्म हो गया यहां पे, ये तो अनलिमिटेड है, ये लो ये डायरेक्शन है इसकी, ये डायरेक्शन है इसकी, तो दो डायरेक्शन में एंगल क्या होगा 180 माइनस, ये फर्क है लाइंस में और डायरेक्शन में। तो इसलिए बार बार कहता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल थीटा है वो दो वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल है, वो लाइंस का एंगल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा डायग्राम है तो डायरेक्शन और लाइंस एक ही बात है, लेकिन अगर मेरा वाला डायग्राम है तो उसमें डायरेक्शन और लाइंस फर्क हो सकता है, इसलिए मैं कभी भी दो लाइंस के बीच में एंगल वर्ड कभी यूज नहीं करूंगा, मैं दो डायरेक्शंस का एंगल यूज करूंगा। क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है और ये एंगल कितना है थीटा। मेरे को क्या करना है, मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके एक नया वेक्टर आएगा, मान लो नया वेक्टर का नाम है आर वेक्टर, तो मुझे क्या निकालना है, आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, कोई डाउट इसमें, तो आर वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, राइट, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर और मुझे आर वेक्टर निकालना है। रूल ये बोलता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनको आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको आप साइड्स ऑफ ट्राइंगल बनाएं। आप कहेंगे तो ऑलरेडी साइड ऑफ ट्राइंगल है, इसको क्या बनाएं, दो साइड है, नहीं, कैसे बनाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो लेंगे उनको ऐसे रखना है कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर को यहां नहीं रखना, बी वेक्टर को यहां रखना है। आपको कि फर्क क्या है, दोनों में फर्क है, उसने डेफिनेशन में बोला टेकन इन सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वेक्टर का ऑर्डर सेम है, जैसे ये ए वेक्टर है यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हुआ, फिर जहां ए वेक्टर खत्म हुआ फिर बी वेक्टर वहां से स्टार्ट हो गया, तो बी वेक्टर स्टार्ट हुआ और फिर यहां चला गया, इसे बोलते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टेकन इन सेम ऑर्डर। इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, ऑर्डर सेम कब होगा, जब ए वेक्टर खत्म होगा और बी वेक्टर इमीडिएटली उसके बाद स्टार्ट होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? और वेक्टर के अंदर एक और चीज समझ लें, वेक्टर के अंदर देखो, वेक्टर के अंदर
सपोज करो आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, कैसे वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर 10 अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। अगर मैं इस ए वेक्टर को उठा के यहां से उठा के यहां प्लॉट कर दूं, ये लग दिया मैंने, अब इसका नाम अभी भी ए वेक्टर है, मैंने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया, ना ही मैंने क्या चेंज किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहां से यहां रखूं, या मैं यहां रखूं, या मैं यहां रखूं, अलाउड है। क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज करो एक वेक्टर ये रहा, ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, राइट। तो मैं इसे उठा के यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, राइट। कैसे? ये ए वेक्टर की वैल्यू अभी भी 10 है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो मैं इसको वेक्टर को यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां या यहां, वैल्यू चेंज नहीं करनी, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, अलाउड है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरे क्वेश्चन में ये गिवन है ए वेक्टर और ये गिवन है बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, जिन दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने ए वेक्टर को तो यहां रख लिया, ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा जो ए वेक्टर है वो ये रहा ए वेक्टर, इसको तो मैंने टच नहीं किया। मैंने बी वेक्टर को यहां से उठाया, यहां प्लेस करने की बजाय यहां प्लेस कर दिया, मैं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि बी वेक्टर यहां रखने की बजाय अगर मैं यहां रखूं, सच दैट इस बी वेक्टर की ना तो मैंने वैल्यू चेंज की, ना मैंने डायरेक्शन चेंज की, तो अलाउड है, राइट। और लॉ ये बोलता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी इन सेम ऑर्डर, तो ये सेम ऑर्डर में होने जरूरी है, कोई डाउट इसमें? तो गिवन मेरे को ऐसा था, पर मेरे को अगर ट्राइंगल लॉ यूज करना है तो मुझे ए और बी को किस में रखना पड़ेगा, इन सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर में रख दिया मैंने इसे। तो लॉ ये बोलता है कि जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल है, ये इसकी क्लोजिंग साइड है, ये रही क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब इनका ऑर्डर क्लोज कर दिया मैंने, कैसे, ये सेम ऑर्डर है लेकिन ये ऑर्डर क्या है इसका, तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कहते हैं कि अगर आप दो वेक्टर जिनको ऐड करना चाहते हो उनको आप साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर लें टेकन इन सेम ऑर्डर, तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होगी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर वो आपको रिजल्टेंट देगी, आंसर देगी, राइट। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, ये लॉ कहता है। अब इसमें मेरे को ये एंगल थीटा गिवन था, है ना, ये एंगल जो था मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर में थीटा गिवन है, मैंने क्या किया, बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख लिया था, ऐसे ही किया था, बी वेक्टर को यहां से यहां, तभी ये डायग्राम बना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, आपके सामने है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर है और मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा, ठीक। और दूसरी चीज ये याद रखना कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इस ए वेक्टर को साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो साइड ऑफ ट्राइंगल के रिप्रेजेंट करने का मतलब, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, कुछ भी मान लो फोर्स है 10 न्यूटन, तो मैं इस ट्राइंगल की साइड या लेंथ लूंगा 10। ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर ये मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी लेंथ 10 है, अगर ये मान लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है तो इसकी लेंथ क्या लूंगा, 20। इसका मतलब ये है कि मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि आप एक साइड को अगर ए वेक्टर लेते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी लेंथ मानी जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी लेंथ मानी जाएगी। तो जैसे मेरे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वापस चलें इसमें ये देखें, तो मैंने क्या कहा, ए वेक्टर बी वेक्टर, मैंने बी वेक्टर को यहां रख दिया जो कि पहले यहां पे था, पहले डॉट 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 यहां पे था, अब मैंने यहां पे रख दिया। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल कितने हैं, थीटा, तो अगर मैं यहां पर क्लोजिंग साइड लूंगा तो क्या आएगा, रिजल्टेंट। ये देख रहे हो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्या आ गई इसकी क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड क्या आ गई, रिजल्टेंट। क्लियर है यहां तक? तो ये ट्राइंगल देख रहे हो, सिर्फ ट्राइंगल, एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां तक लेके आओ।
तो ये एंगल थीटा था, तो सबको पता है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल देखो कितना है, थीटा। यहां बनेगा थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया बाय ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए। तो ये लेंथ क्या होगी, ए। यानी कि ओपी का मतलब क्या है, ए। अगर ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। तो पी क्यू की लेंथ क्या है, बी। ओ क्यू वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, तो इसकी लेंथ क्या होगी, आर। राइट। तो ये याद रखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ हो जाएगी ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इसकी लेंथ हो जाएगी बी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें बताता हूँ, एंड रिजल्ट देखते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? ये ना एंड में समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा इसको, जब तक एग्जाम्पल से नहीं लगाएंगे ना तो आपको डाउट रहेगा इसमें। इसका प्रूफ थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रूफ है इसका, वो जैसे ज्योमेट्रिक इन ट्रायंगल दिस ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस एंड, आपको कहीं पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल ले लेके। एंड का रिजल्ट बड़ा कमाल का रिजल्ट है। ठीक, तो देखो यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज देखो, मैंने क्या दिया आपको, मैंने आपको ए वेक्टर दिया, मैंने आपको बी वेक्टर दिया, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया। मैंने आपको तीन चीजें देनी होती हैं वेक्टर एडिशन में, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तीन चीजें देनी है मैंने आपको। मेरे को क्या चाहिए, मुझे आर वेक्टर चाहिए। जब मैं बोलता हूं मुझे आर वेक्टर चाहिए, तो आर वेक्टर का मतलब मुझे दो चीजें देनी पड़ेंगी आपको, एक आर की वैल्यू और एक आर की डायरेक्शन। तो मुझे आपको वैल्यू भी देनी है और डायरेक्शन भी देनी, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा पहले, ए पार्ट, फिर अलग से क्या निकालूंगा, आर की, आर वेक्टर की डायरेक्शन, फिर आप मानोगे कि हाँ आर वेक्टर आ गया। राइट, तो पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जिसको कैसे लिखा जाएगा, या तो आर या आर वेक्टर के आगे मॉड, एक ही बात है। तो एक सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। क्या सिंपल हो गया, ये ए है लेंथ में, ये बी है लेंथ में, ये एंगल थीटा है, और ये आर है लेंथ में। बस आपको आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया सिंपल। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर सबसे पहले हम पाइथागोरस लेंगे, पूरा का पूरा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, तो क्या बनेगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो पूरे ट्राइंगल में दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कोई डाउट? पहला स्टेप क्लियर है? ठीक है, सेकेंड स्टेप। ठीक, तो ओ क्यू का स्क्वायर, क्यू एन का स्क्वायर, एन ओ का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप, जो ओ एन है उसको लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, तो ओ पी प्लस पी एन। तो सेकेंड स्टेप भी क्लियर। तीसरा स्टेप, इसे ओपन कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये स्टेप भी क्लियर है? ठीक है, यहां तक ओपन कर दिया। नेक्स्ट देखो इसमें, तो इसके अंदर ये आपके पास टर्म आ गई पी एन स्क्वायर और ये आ गई क्यू एन स्क्वायर। जरा डायग्राम में वापस चलते हैं। डायग्राम में पी एन का स्क्वायर एंड क्यू एन का स्क्वायर विल गिव पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या आएगा, क्यू पी का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर। राइट, तो मैं ऐसा करूं, इन्हें इलिमिनेट करता हूं, क्यू एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर विल गिव पी क्यू स्क्वायर। तो इसकी जगह इन दोनों को हटा के क्या लिख लिया, पी क्यू स्क्वायर। क्या आपको यहां तक ये स्टेप तक क्लियर है? ठीक है, पहले बड़ा ट्राइंगल, फिर इसको ब्रेक किया, ओपन किया, इन दोनों की जगह एक टर्म पी क्यू स्क्वायर। राइट, ये स्टेप क्लियर है? ओ एन का मतलब क्या है, ओ पी प्लस पी एन, ओपन कर लिया। फिर एक स्टेप क्या किया, पी एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर, ये रहा पी एन स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर विल गिव पी क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह क्या पुट कर लिया, पी क्यू स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई। राइट, अब लास्ट स्टेप है, इस ट्राइंगल में है ना, इस ट्राइंगल में ये बताओ कि कॉस थीटा क्या होगा। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू होगी पी एन डिवाइडेड बाय पी क्यू। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? राइट, तो यहां से पी एन की वैल्यू आएगी पी क्यू इंटू
कॉस थीटा। तो यहां पर पी क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी लेंथ, बोलो इसकी लेंथ क्या है, बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो इसकी लेंथ क्या है, बी, तो यहां पर क्या आएगा, पी क्यू की जगह बी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, इसी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, बोलो क्या, क्यू एन डिवाइडेड बाई अगेन पी क्यू, पी क्यू। तो यहां से क्यू एन की वैल्यू क्या आएगी, पी क्यू इंटू साइन थीटा। तो यहां से क्यू एन विल बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू का मतलब क्या है, बी इंटू साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो मैंने कॉस थीटा साइन थीटा दोनों निकाल लिए, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी इसलिए मैंने साइड पे लिख लिया ये सारा, कॉस थीटा साइन थीटा पी एन और क्यू एन। राइट, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना, मेरे को इसके अंदर इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अंदर मैंने यहां तक तो लिख लिया था, ये तो मैंने समझा दिया आपको। एक बात बताओ, OQ का मतलब क्या है, OQ, OQ की लेंथ क्या है, R। चेक करो, OQ की लेंथ की जगह क्या पुट कर दिया, R square। PQ, PQ की लेंथ क्या है, B। तो देखो PQ की जगह क्या पुट कर दिया, B। OP, OP की लेंथ क्या है, A। तो क्या पुट कर दिया, A। क्लियर है यहां तक? R square is A square, B square। अगेन OP की जगह A, और PN, अब PN की जगह, ये PN की जगह क्या पुट किया, B cos theta। लो, ये मेरे पास क्या आ गया, R square की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज पुट करके। अब R square का अंडर रूट लेंगे तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को R की वैल्यू निकालनी थी, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो R की वैल्यू का मतलब R का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका ये प्रूफ तो जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है तो याद ही करना पड़ेगा, पर अदरवाइज इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, कोई भी चाहे फोर्स है चाहे वेलोसिटी है, ए और बी इसकी वैल्यू गिवन है, दोनों में एंगल डायरेक्शन में थीटा गिवन है, और मैं पूछता हूँ आर निकालो, तो आप आर कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फॉर्मूला याद हो गया, लगाना कैसे है पहले वो दिखा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक ब्लॉक है, इसमें दो फोर्सेज ऐड कर रही हैं इन सेम डायरेक्शन, तो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इन दोनों में एंगल क्या होगा डायरेक्शंस में, जीरो, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, आपकी कॉमन सेंस कहती है 10 प्लस 20 कितना 30, और मेरा वेक्टर का रूल कहता है जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, क्या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ए की जगह 10, बी की जगह 20, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 20, और कॉस ऑफ कितना जीरो, क्योंकि दो फोर्सेज में एंगल क्या है जीरो, cos जीरो क्या होता है 1, तो क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, अंडर रूट से कट गया, तो वही आपका कॉमन सेंस वाला आंसर आ गया, 10 प्लस 20 कितना 30। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये सही है ना फॉर्मूला, आपको कॉमन सेंस भी यूज नहीं करनी, फॉर्मूले में वैल्यू बस पुट करते रहो और आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? फिर देखो, अगर मान लो दो फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर में एंगल बोलो कितना है 180। अच्छा अपने कॉमन सेंस से बोलो रिजल्टेंट क्या आएगा, 20 में से 10 गया 10 आएगा ना, 20 माइनस 10 10। अच्छा मेरा फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 180। ये वैल्यू याद कर लेना, मैथ्स में कॉस 180 की वैल्यू स्टैंडर्ड है, माइनस 1 होती है, तो कॉस 180 की जगह जब माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसर देखो क्या आ गया 10। क्या सही फॉर्मूला है इसका मतलब, मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि इधर है या उधर है, बस आप एंगल ढूंढ लो दो फोर्सेस में और इस रिजल्टेंट में पुट करते जाओ, रिजल्टेंट फोर्स आएगी। अब जो क्वेश्चन हम आंसर दे नहीं पा रहे थे अब दे पाएंगे, कैसे, दो फोर्सेज हैं 10 एंड 20 और एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ कितना 30, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी इनकी, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 30। सॉल्व कर लेना आंसर। तो अब कोई मर्जी डायरेक्शन आती रहे, एंगल जो मर्जी चेंज कर लो, ये फैक्टर चेंज होता जाएगा, आपकी फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे काम करेगा।
हमने क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि पूरा वेक्टर बताना होता है तो वेक्टर में वैल्यू भी बतानी होती है और डायरेक्शन। अभी हमने आधा काम किया, मैंने प्रूफ किसका कराया, मैग्नीट्यूड का, और मैंने फॉर्मूला यूज करके दिखाया, अब मैं क्या बताऊंगा, डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो डायरेक्शन के अंदर फिर से चलते हैं इसमें, डायरेक्शन के अंदर मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये रहा आपका आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताई जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कैसे भी, बेस्ट तरीका होता है एंगल बता दो। तो हम मानते हैं कि ये एंगल कितना है इनके बीच में, बीटा। आर वेक्टर ने एंगल क्या बनाया, बीटा, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर के साथ आर वेक्टर ने एंगल क्या बनाया, बीटा। तो अगर मैं आपको बीटा की वैल्यू बता दूं तो आपको मानना पड़ेगा मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। तो मैं क्या बताने वाला हूं आपको, इस बीटा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल एक बार फिर से लो, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ टेन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस साइड क्यू एन डिवाइडेड बाय पूरा बेस, बेस को क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस पीएन, राइट, ये लिख लिया। आप मुझे ये बताओ कि ओपी की लेंथ क्या है, ए, तो टेन बीटा विल बी इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाय, इसकी तो वैल्यू पुट कर ही लो, पीएन, राइट। अब ये दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज को ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, ये देखो ये पीएन, पीएन क्या है, पी क्यू कॉस थीटा, तो tan of beta will be equal to qn, इसके नीचे लिखा हुआ था qn भी, कैसे, यहां पे लगा लेना sin theta, तो sin theta क्या आएगा, qn divided by pq, तो यहां से qn क्या आएगा, pq sin theta। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर एक काम करें qn की जगह पुट कर लेते हैं pq sin theta डिवाइडेड बाई ए प्लस पी एन की जगह क्या पुट करेंगे, पी क्यू कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, टेन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू पी क्यू, अब पी क्यू की लेंथ है कितनी, बी, तो बी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहले आपने पूरा ट्राइंगल लिया, पूरे ट्राइंगल में टेन बीटा ले लिया, फिर आपने OP को तो A पुट कर ही दिया, OP का मतलब तो A है, फिर आपने QN और PN निकालने के लिए ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में आपने एक रेशियो cos थीटा की ली और एक आपने रेशियो sin थीटा की ली, इस रेशियो से क्या वैल्यू आई, QN की वैल्यू आई और PN की वैल्यू आई, PQ की लेंथ यहाँ से B है, तो यहाँ पर B और B पुट कर दिया, और ये सारा मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप चेक करो, ये देखो यहाँ पर मैंने पुट किया B sin थीटा और P प्लस B cos थीटा। अब आपको किसी भी न्यूमेरिकल में तीन चीजें दूंगा मैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और थीटा, ठीक है, तीन चीजें आपको क्या पूछूंगा, आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू पूछूंगा फिर तो आप लगा दोगे ये फॉर्मूला आंसर, फिर पूछूंगा डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या निकालना होगा, बीटा, तो टेन बीटा के फॉर्मूले में ए बी और थीटा पुट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके। मान लो आपको ऐसी वैल्यूज दूंगा कि ये आंसर आता है वन, ए बी और थीटा पुट करके आंसर आता है वन, तो टेन बीटा अगर वन होगा तो बीटा क्या होगा, 45। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें ए बी और थीटा पुट करके टेन बीटा से बस बीटा निकालना है, बीटा निकालने का मतलब डायरेक्शन निकालना। जब आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में स्टेट एंड प्रूफ, तो आपने ये पहले स्टेटमेंट लिखनी है, अब स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी कैसे, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, resultant is represented completely both in magnitude and direction taken in third side of triangle taken in opposite order। अब आपको समझना और लिखना आसान हो जाएगा, पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूफ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे आएगा, राइट। दो वेक्टर्स को ऐड करने का पहला तरीका क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और तरीका है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर रूल ये है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको साइड ऑफ ट्राइंगल बनाने की बजाय क्या बनाएं, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये ए और बी वेक्टर आपको गिवन है, ए और बी वेक्टर, तो आप इन्हें मान लें कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये दो साइड होगी पैरेललोग्राम की, इस बी वेक्टर इस ए वेक्टर के पैरेलल यहां पे बनाओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलल यहां पे बनाओ बी वेक्टर, बन गया पैरेललोग्राम।
और एक लो डायगोनल, और डायगोनल वो लेनी है, देखो डायगोनल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, डायगोनल लेनी है जो ए और बी का कॉमन पॉइंट है वहां से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप ये डायगोनल लें, ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, राइट? ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें बताता है। अगर आप ध्यान से देखें, यही तो मैंने किया, ये क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, और ये क्या है आर वेक्टर। आपको ऐसा लगता नहीं, अगर मैं दो साइड हटा दूं तो अंदर का पूरा डायग्राम किसका है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इनके प्रूफ में, इनकी वैल्यू में, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। कहाँ आएगा? डेफिनेशन में आएगा, और दूसरा डायग्राम में आएगा, प्रूफ सेम। तो हम क्या करेंगे, जब पेपर में आएगा कुछ भी आ सकता है, ट्राइंगल लॉ भी आता है और पैरेललोग्राम लॉ भी आता है। तो अगर ट्राइंगल लॉ आया स्टेटमेंट और आर की वैल्यू आर की डायरेक्शन वहां तक, अगर पैरेललोग्राम लॉ आया स्टेटमेंट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, तो ए और बी कहां से थे? कॉमन पॉइंट। तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट, ये डेफिनेशन लिखेंगे। फिर डायग्राम पैरेललोग्राम का ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल का नहीं करेंगे, तो कर लेंगे डायग्राम सेम, वही कंस्ट्रक्शन सेम। फिर क्या निकालेंगे? आर की वैल्यू और आर की डायरेक्शन। तो ये मैंने द्वारा लिखा नहीं, ये मत लिखाना सेम एज इन ट्राइंगल लॉ। तो आपको यही सारे का सारा लिखना है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये पूरी की पूरी सेम थ्योरी, और डायरेक्शन ऑफ आर यहां तक सेम, कोई फर्क नहीं। प्रूफ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन और डायग्राम में डिफरेंस है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? इनको लगाना कैसे है, लॉस को न्यूमेरिकली कैसे करना है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेक्टर्स काफी वैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो थ्योरी में ये अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन जो अगले टॉपिक्स हैं